This meeting is being recorded window. This meeting is being recorded. The account of by state got it button. Taskbar. नमस्कार, टेक्नो थ्रेड नेटवर्क की ओर से मैं शाहिद। तो आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन अकाउंट होता है और एक लोकल अकाउंट। ओके, अब हम थोड़ा सा मोटा मोटा जान लेते हैं। देखो, जब हम विंडो इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी में, है ना, देखो जब वो वहां पे एक ऑप्शन आता है, आप इंटरनेट कनेक्ट करें, है ना। अगर हमने इंटरनेट कनेक्ट कर दिया है तो फिर उस सिचुएशन में हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना होगा, वरना वह पीसी को आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन नहीं किया तो प्लीज आपको अनम्यूट करें। तो उसके बाद हम चाहते हैं, हम जो हमारा सिस्टम कंप्यूटर है, हम विदाउट इंटरनेट के अपना जो लोकल माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है वो क्रिएट करें। जी, कर सकते हैं बिल्कुल। और जब हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लोकल अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, हम उसे एडमिनिस्ट्रेट एडमिन भी बना सकते हैं उस अकाउंट को, है ना। और हम बाद में अगर माइक्रोसॉफ्ट जो ऑनलाइन अकाउंट है ना, हम बाद में भी उस अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब बात ये उठती है सर, जैसे कि हम विंडो डालते समय माइक्रोसॉफ्ट लोकल अकाउंट क्रिएट करेंगे, क्या हमारा विंडो एक्टिवेट होगा? देखो, कुछ सिचुएशन होती है। देखो, अगर आपके पास OEM की है ना, तो आप बेहिचक लोकल अकाउंट क्रिएट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और प्रोडक्ट की है आपके पास विंडो की, तो भी आप कर सकते हो। अब जब हमारे पास एक डिजिटल की होती है, अगर वो है हमारे पास, बाय द वे हमने कहीं से परचेस किया ऑनलाइन जैसे भी, है ना, तो उस सिचुएशन में हमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट जो ऑनलाइन जो नेट से करते हैं हम, ना, वो हमें लॉगिन करना होगा, तब उसे हमें एक्टिवेट करना होगा। क्योंकि आप लोगों को कई बार सुनने को मिला होगा, क्योंकि जब तक हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को, मतलब जो ऑनलाइन अकाउंट है उसे लॉगिन नहीं करेंगे, है ना, तब तक वो हमारी विंडो एक्टिवेट नहीं होगी। ऐसा नहीं है, देखो थोड़ा सा मैं मोटा मोटा सा बता चलूं आपको। जो OEM की होती है, OEM की ये होती है जो हमारा मदरबोर्ड होता है, उसके अंदर एक चिप लगी होती है ना, तो उसके अंदर एक OEM की होती है ना। तो जैसे हमारी मशीन ऑन होगी, है ना, चालू होगी, विंडो से कनेक्ट होगी, है ना, तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके वो विंडो को एक्टिवेट कर देती है। ओके, बाय द वे किसी कारणवश हमारा मदरबोर्ड खराब हो गया, है ना, मदरबोर्ड खराब हो गया, तो उसके बाद हम दूसरा मदरबोर्ड चेंज करेंगे, तो हमारी जो वो जो हमारी चिप लगी हुई थी OEM की है ना, लाइसेंस की, वो भी मेरे ख्याल से चली जाएगी। ओके, कुछ ये बातें हैं। और हाँ, फिर भी हमें लोकल अकाउंट चाहे तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमें माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है ना, उसमें हमें अपडेट देखने को मिलते हैं, वो भी मिलेंगे, सब कुछ सेम होगा, है ना। फिर भी माइक्रोसॉफ्ट जो ऑनलाइन का अकाउंट है जीमेल वाला, मतलब कंपनी उसे लॉग इन करने के लिए कहती है, उसका कारण यह है, उसका कुछ कारण होता है। कारण यह है, एक तो जैसे कि मान लो हमारा वो होता है ऑफिस, है ना, जैसे हमारा ऑनलाइन वाला अकाउंट होगा तो ऑफिस हमारा अकाउंट से कनेक्ट होता है ना, जो हम परचेस करके रखते हैं, तो वो इजी टू यूज हो जाता है ना। बाकी अगर हमारा लोकल अकाउंट है तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर कुछ ऑप्शन देखने पड़ेंगे, है ना, तो ये बात है। ओके, और इसको भी लोकल अकाउंट को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड से। और सेकंड, हम एक से अधिक अकाउंट भी अपने कंप्यूटर में लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरा एडमिन अकाउंट है, मेरा जो ऑनलाइन अकाउंट है वो मेरा है। ओके, तो अब मैं चाहता हूँ यार मेरा अकाउंट में क्या डाटा है क्या नहीं है उसे कोई ना देखे, है ना, तो मैं लोकल अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, मतलब अदर पर्सन के लिए। जैसे मान लो हमारा पीसी कोई यूज करे, हम उनके लिए जो सेकंड अकाउंट है, लोकल अकाउंट है ना, उन्हें स्विच कर दें ताकि वो अपना कार्य कर लें, है ना। और एक चीज और बताना भूल गया मैं, माइक्रोसॉफ्ट जो ऑनलाइन का अकाउंट होता है उससे एक फायदा और है, आप मल्टीपल डिवाइस में डाटा को सिंक कर सकते हो।
जैसे कि वन ड्राइव है ना, पर्सनलाइजेशन, मैनेज थीम रूमर लेफ्ट द वगैरह, मीटिंग अप वॉलपेपर, ये चीजें हम सेम सेम रख सकते हैं। जैसे एक अकाउंट से हम मल्टीपल डिवाइस को लॉगिन करेंगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट समझ में आ गया मैनेज रूमर होगा, हैज जॉइंड द मीटिंग मुझे उम्मीद है। तो आप ये बताइए, थोड़ा मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? बहुत ही लाजवाब। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बात थी, तो अब हम थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखेंगे, है ना, हम कैसे माइक्रोसॉफ्ट लोकल अकाउंट क्रिएट करेंगे, है ना। हालांकि इसे आप जब विंडो आपकी ऑन हो जाएगी प्रॉपर तरीके से, आपका जो डेस्कटॉप है प्रिपेयर हो जाएगा, आप उसके बाद भी मतलब सेकंड अकाउंट, थर्ड अकाउंट आप कर सकते हो क्रिएट। ओके, ऐसा नहीं है आप मतलब जो विंडो इंस्टॉल करोगे, है ना, ये तभी होगा। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन नहीं, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी, मैं मेरे पास थोड़ा बैकग्राउंड आ गया था ना, इसलिए वो हो गया। देखो, माइक्रोसॉफ्ट जो यूजर अकाउंट होता है ना, वो अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहता है, क्योंकि पता है हम अपना जो पीसी है उसका नाम दे सके, है ना, वो तो हमें जरूरी है ना। वहां पे हम एक अकाउंट क्रिएट करेंगे ही, है ना, चाहे तो अपना जो ऑनलाइन अकाउंट है उसे लॉग इन करें या फिर एक लोकल अकाउंट क्रिएट करें। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रहे, है ना। और उसके बाद भी हम अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, दो अकाउंट, तीन अकाउंट, चार अकाउंट, है ना, अपने हिसाब से। और बाकी जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, आप इसे भी लोकल बना सकते हैं। बाकी हम देखते हैं इन चीजों को, है ना। तो अब मेरा माइक्रोसॉफ्ट जो ऑनलाइन है वो लॉगिन है, बाकी अब मैं एक अकाउंट क्रिएट करूंगा और फिर आप लोगों को स्विच करके दिखाऊंगा कैसे कैसे करते हैं। तो अभी मैं डेस्कटॉप पर हूं, मैं कंट्रोल पैनल के अंदर जाऊंगा, मैं विंडो प्रेस करूंगा, Space. Folder view list. Zoom 8 of 19. तो मैं विंडो प्रेस करूंगा यहां पे। Start window. Search box edit. Search for apps. Settings and documents blend. C. Level O. Control panel A. N. Control panel app. Press right to switch preview 1 of 1 level 1. जैसे ही कंट्रोल पैनल आ जाएगा, आप लिखोगे CONTROL, है ना, ये आपका कंट्रोल पैनल आ जाएगा और मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा। Control panel. Search box edit. Search control panel blend. ओके, अब मैं लॉन्ग प्रेस लॉन्ग से जाऊंगा, टैप टैप करते हुए, है ना, मैं जाऊंगा अकाउंट्स पे। देखो मैं टैप करूंगा, Category button browse can system and security review your computers save backup address network and view networks hardware and sound view devices and add a device link adjust commonly programs link uninstall a program user accounts link change user account settings and passwords. देखो मेरा यूजर अकाउंट आ चुका है ना, तो यहाँ पे करूंगा मैं एंटर। User accounts link change user account settings and passwords for people who share this computer. ओके, फिर मैं टैब प्रेस करूंगा। Change account type link. यहाँ पे आप अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हो, है ना, आपको एडमिनिस्ट्रेटर रखना है या फिर वो वाई स्टैंड रखना है, स्टैंडर्ड व्यू में रखना है ना। तो ये बात है, फिर मैं टैब करूंगा एक बार, बाद में दिखाऊंगा आपको मैं इसे एडमिनिस्ट्रेटर करके, है ना। Remove user accounts link. अगर आपका यहां से आप रिमूव कर सकते हो अकाउंट को, देखो पहले मैं इसी पे इंटर करूंगा, रिमूव पे। देखो List of users list. Shattered Conmo Shahid can 26,586 at mail.com administrator password protected button. तो यहां पे मेरा एक अकाउंट है ना, ये अकाउंटों की लिस्ट आ चुकी है। अब ये क्या कह रहा है, ये मेरी मेल से लॉगिन है अकाउंट, और जिसका नाम है शाहिद खान, और ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है और एडमिनिस्ट्रेटर है अकाउंट। ओके, ये मेरा एडमिन अकाउंट है। तो हम देखते हैं, एक दूसरा अकाउंट क्रिएट करेंगे, है ना, Add a new user and PC settings link. एड ए न्यू पीसी सेटिंग यूजर। ओके, Navigation button, recent locations button, up and tool, navigate back to user, add a new user and PC settings link. हम इस पे इंटर करेंगे एक बार। Settings. Settings window, search box, find the setting edit blank. Accounts 6 of 11 level 1. मैं टैब प्रेस कर रहा हूं, Accounts button 1 of 2. अकाउंट्स Other users grouping, add other user grouping, add account button. एड अदर यूजर, इसका मतलब है आप किसी दूसरे यूजर का भी अकाउंट यहाँ पे क्रिएट क्रिएट करने के लिए कह रहा है। ओके, मैं यहाँ पे एक बार एंटर प्रेस करूंगा। Microsoft account window. Just a moment. Microsoft account window. Document. Progress bar 0%. Progress bar 0%. Clickable heading level for how will this person sign in? Document. Main landmark. Form landmark. Clickable. Email or phone edit. How will this person sign in? Enter the email address or phone number of the person you want to add. ये गाइस, ये दिक्कत क्या है पता है, यहाँ पे मेल मांग रहा है, यहाँ पे जो ऑनलाइन वाला अकाउंट क्रिएट करने के लिए कह रहा है,
इसके लिए मुझे नेट ऑफ करना होगा, तब जाके लोकल अकाउंट क्रिएट होगा। इस चीज में थोड़ा फोकस नहीं किया था, ये बात थी गाइस। अब आप कहो तो मैं एक बार फोन से लॉग इन कर लूं, है ना, आपको स्क्रीन रीडर की आवाज ताकि सुनाई दे। सर आप क्या कहेंगे सर? यस बिल्कुल बिल्कुल, आप करो वो स्क्रीन रीडर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि डेस्कटॉप से एक बार डिस्कनेक्ट करना होगा इंटरनेट को सर मुझे, है ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार इससे लॉग इन कर लो। शुरू हो गई सर। तो अब हम देखते हैं, मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा एक बार अगेन। Start window, search window, search box settings, search for X, settings and documents name. C, O, and N, and T, control panel, control panel, search box settings, search control panel. मैं कंट्रोल पैनल में आ चुका हूं, मैं टैब टैब से अकाउंट्स में जाऊंगा। Category button, system review, save backup of network and connect to the new network hardware and new device, add a device, adjust programs, uninstall user account, change account type link, user accounts link. मैं एक बार यूजर अकाउंट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे इंटर करूंगा। User accounts link, change user account settings and passwords for people who share this computer. मैं फिर टैब प्रेस करूंगा, Change account type link. यहाँ पे अकाउंट का टाइप चेंज कर सकते हो। Remove user accounts link. मैं यहाँ रिमूव पे एक बार इंटर करूंगा। List of users list. Check Zoom. An unknown error occurred. Please join this meeting from your browser. Error code 104. An unknown error. Please join this meeting. Report problem button. Join from browser button. Close button. Space Zoom window. Join the meeting button. Alt F4 कर दो कोई। Manage accounts. List of users list. Chatted problem. तो अब यहाँ पे जो मेरे अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो मेरा एक ही अकाउंट है और इसने बोला भी अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर प्रोटेक्टिव पासवर्ड। ओके आपको सुना देता हूँ एक बार। List of users list. Shannon combo Shannon 26,586 at mail.com administrator password protected button. ओके आप लोगों ने सुनी लिया होगा। मैं फिर एक बार टैब प्रेस करूंगा। Add a new user and PC settings link. अगर मेरे पास सेकंड अकाउंट होता तो वो यहाँ पे आता उसका नाम। अब मैं यहाँ ऐड पे एक बार Navigation buttons, recent location, up and to map back to user, add a new user and PC. ऐड ए न्यू यूजर पे इंटर करूंगा। Settings. Settings window, search box, find the setting edit. फिर मैं टैप टैप प्रेस करूंगा। Account 6 on the left, accounts button 1 of other users group, set up a kiosk grouping, other users grouping, add other user group. ऐड अदर यूजर पे आऊंगा टैप टैप करके और इंटर प्रेस कर दूंगा। Microsoft account window, just a move document, form landmark clickable, who's going to use this PC, grouping clickable, username edit username, move document, form landmark clickable, who's going to use this PC, grouping clickable, username edit username. ओके अब ये कह रहा है हमारे पास एक एडिट बॉक्स आ चुका है और आपने सुना भी होगा क्लिक एनवीडिया की आवाज, जो कि फोकस मोड ऑन हो चुका है। ओके तो अब यहाँ पे कह रहा है आप जो आपका पीसी है, आप इस पीसी का क्या नाम देना चाहोगे, अकाउंट्स का नाम क्या देना चाहोगे? तो एक बार यहाँ पे मैं अकाउंट का नाम लिखता हूँ। T E C H N O Techno space double I T H with space F R I E N D S मैंने यहाँ पे दे दिया अकाउंट का नाम टेक्नो विद फ्रेंड्स। ओके मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा। देखो Friends, make it secure. Prove and clickable. मैं दोबारा सुनाता हूँ आपको, सिर्फ टैप करके। Who's going to use this PC? Prove and clickable. Username edit selected. Techno with friends. यूजर नेम टेक्नो विद फ्रेंड, मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा। Make it secure. Prove and clickable. Enter password. Edit protected. Enter password. ओके आप अगर इस अकाउंट को पासवर्ड से प्रोटेक्टेड करना चाहो तो यहाँ पे आप पासवर्ड लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगाना चाहोगे तो आप टैप कर जाओ आगे। Re-enter password, edit protected, re-enter pass. अगर हमने पासवर्ड लगाना है तो जो हमने पासवर्ड पे देखो Enter password, edit. एंटर पासवर्ड पे हमने पासवर्ड लगाना है, मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा। Re-enter password. री एंटर पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड वही लगाना है जो हमने वहां ऊपर लगाया था। अगर हमें पासवर्ड से अभी प्रोटेक्ट नहीं करना है इसे, तो हम कोई पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ओके और हम पासवर्ड बाद में भी लगा सकते हैं चाहे तो। ठीक है मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा Next button. नेक्स्ट बटन। Settings window, other users grouping, add other user grouping, add account button. ओके अब मैं मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ओके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट मेरा क्रिएट हो चुका है। ठीक है List techno with friends, local account 1 of 1. देखो आ गया ना टेक्नो विद फ्रेंड लोकल अकाउंट 1 of 1। देखो Techno with friends, local account grouping, show all settings button collapsed. Set up a kiosk grouping, get help grouping, get the feedback grouping, give feedback. अब मैं आपको एक बार बैक जाके दिखाऊंगा, है ना, देखते हैं क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। Manage accounts. Add a new user and PC settings link. List of users list. Shattered combo. Shattered 26,500.
Add a new user and list of search box edit address control panel user accounts user desktop list zoom made of nine shutdown windows dialog desktop list zoom made of 19. Start window C O N T control O control panel F control panel access review save back net connect view part view add a pro and user account change account user account change account type link remove user accounts link list of users list shattered combo shit in 26 techno with friends local account button. Lego. आगे ना देखो shattered combo shit 26586 at mail.com administrator password protected button ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है ना और अब देखो मैं टैप प्रेस करूंगा techno with friends local account button ये लोकल अकाउंट बटन ये क्या है ये प्रोटेक्ट भी नहीं है है ना और ये एडमिन नहीं है ये लोकल है अब इसका टाइप भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ है ना चल बाद में दिखाऊंगा है ना कैसे टाइप चेंज करते हैं हालांकि shattered combo देखो Techno with friends local account button. Techno with friends local account. इस पे हमने इंटर किया. Change the account name link. यहाँ पे अकाउंट का नाम चेंज कर सकते हो आप दूसरा नाम भी दे सकते हो Techno with friends हटा के मैं टैप प्रेस करूंगा. Create a password link. इसके लिए पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो है ना मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा. Change the account type link. Change the account type link. आप इसका टाइप भी चेंज कर सकते हो मैं एक बार यहाँ पे स्पेस बार करूंगा. Space. Standard radio button checked alt plus S. अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड में है ना मैं डाउन और प्रेस करूंगा एडमिनिस्ट्रेटर रेडियो बटन चेक आउट प्लस ए एडमिनिस्ट्रेटर है ना अगर हम यहाँ पे कर देंगे इसे तो एडमिन अकाउंट हो जाएगा ओके अब एडमिन और लॉग ये इसका मतलब क्या है आपको एडमिन तो पूरा एक्सेस रखता है अपने पास है ना और क्योंकि जैसे हम लोकल अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इसके पास वो चीज नहीं होती वो प्राइवेसी नहीं होती है ना वो अथॉरिटी नहीं होती जो हमारा एडमिन अकाउंट में होती है ठीक है बाकी मैं स्केप करूंगा तो अब हम देखेंगे Search box edit search control administrator radio button check alt plus search box edit search control panel plan. अकाउंट पे स्विच कैसे करेंगे हम ओके डेस्कटॉप लिस्ट जूम मेड अप शट डाउन विंडोज डायलॉग क्लोजेस ऑल एप्स एंड टर्न्स ऑफ द फोल्डर व्यू लिस्ट सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना शानदार शानदार ओके अब हम यहाँ पे एक बार अकाउंट को चेंज करेंगे अब मेरा अकाउंट जो मेरा मेन अकाउंट है ऑनलाइन अकाउंट है जो जीमेल का जो पासवर्ड से प्रोटेक्टिव है उसके उसमें स्विच है अब मैं चाहता हूं जो मैंने टेक्नो फ्रेंड अकाउंट क्रिएट किया है अब इसके अंदर स्विच कर जाए तो हम उसके लिए कमांड देंगे ऑल्ट कंट्रोल प्लस डिलीट तो देखते हैं सिक्योर डेस्कटॉप जॉस विंडो साइन इन डायलॉग लॉक स्विच यूजर साइन आउट टास्क मैनेजर लॉग लिंक ऑल्ट मैंने यहां पे ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस कर दिया है अब मैं एक बार टैब प्रेस करूंगा Switch user link alt. Okay. ये कह रहा है आप स्विच यूजर करना चाहोगे तो यहां से कर सकते हो मैं यही से करूंगा स्पेस बार करूंगा ये पासवर्ड लगाने के लिए कह रहा है ना जो मेरा मेन अकाउंट है उसके लिए पर हमें ये नहीं करना है मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा इसका पिन फॉरगेट कर सकते हैं ये शाहिद खान स्विच करने के लिए कह रहा है मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा switch to techno with friends not selected 2 of 2 ये देखो switch to techno with friend not selected ये सेलेक्ट नहीं है हम इसे स्पेस बार से करेंगे सेलेक्ट english to techno with united techno states with sign in english button to activate space bar और हमारा कर्सर साइन इन बटन पा चुका है ओके मैं फिर स्पेस बार करूंगा एक बार अब मेरा अकाउंट से ये लैपटॉप टेक्नो विद फ्रेंड अकाउंट के अंदर स्विच हो रहा है अब थोड़ा देखते हैं टाइम लगेगा आगे क्या होगा थोड़ा टाइम लगेगा गाइज अब यहाँ पे हमारे स्क्रीन रीडर गाइज मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे हमारे स्क्रीन रीडर वर्क नहीं करेंगे हाँ हालांकि देखो जो हमारे हमारे जो जो मेन अकाउंट था उसमें जो हमारी फाइल्स थी या फोटो थे डॉक्यूमेंट या कोई सॉन्ग थे वो इस अकाउंट के अंदर नहीं शो करेंगे तो इस अकाउंट के अंदर जो हमारे इंस्टॉल्ड एप्स हैं सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे शो करेंगे फॉर एग्जांपल मेरा कोई सॉन्ग है वो इस अकाउंट के अंदर नहीं आएगा और हालांकि मैंने एनवीडीए इंस्टॉल किया है ना तो वो इस अकाउंट के अंदर होगा इंस्टॉल्ड बट उसकी सेटिंग हमें फिर से करनी होगी जॉर्ज है तो उसकी सेटिंग भी हमें करनी होगी ओके तो एक बार यहाँ पे हम कंट्रोल विंडो एंटर करते हैं अपने नरेटर को ऑन करेंगे ठीक है हालांकि हम जॉर्ज एनवीडिया को कर सकते हैं पर हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि
इसका जो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन रीडर है, हम एक बार उस पर ही फोकस करेंगे. Narrator dialogue. Skip for now. Button. अब गाइस देखो, S. New natural voices are available. Narrator. ये नरेटर की कुछ वॉइस है, उनके लिए बोल रहा है. मैं एक बार टैप प्रेस करूंगा. Don't show this again. Check. Don't show this again. Check box not check. ये चेक, इसे नॉट चेक करोगे तो दोबारा आएगा नहीं नरेटर. आप ऑन करोगे जब. मैं टैप प्रेस करूंगा. Install now. आप इन वॉइस को इंस्टॉल करना चाहते हो, जो नई वॉइस है, आप कर सकते हो. मैं टैप प्रेस करूंगा. Skip for now. मैं स्किप करूंगा. Alt plus S. स्किप करूंगा. यहाँ पे मैं स्पेस करूंगा. Microsoft account window. Windows setup. Get location based experiences like directions and weather. Okay. Let Windows and apps request your location and allow Microsoft to use your location data. अब हमें कुछ ऐसा करना होगा, जो एक्सेप्ट का बटन आ गया उस पर इंटर करना होगा हमें, क्योंकि ताकि ये कुछ भाई अपनी इसकी प्राइवेसी होती है, कुछ परमिशंस होती है ना, हम परमिशन देंगे इस अकाउंट को. मैं टैप प्रेस करूंगा एक बार. Location. Get location based experiences. यहां से location, location की परमिशन होगी. Diagnostic. मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ. Inking and typing. Send optional inking. टैप प्रेस कर रहा हूँ. Tailored experiences. Let micro. टैप प्रेस कर रहा हूँ. Advertising ID. Learn more. Button. Accept all privacy settings. Button. Accept all privacy setting. यहां पे हम कर देंगे enter. Accept search window. Search box. Edit. Search for apps, settings, and documents. Start window. Pinned. Start Microsoft window. Edge. हमारा आ चुका है ना, तो हमारा अब डेस्कटॉप प्रिपेयर हो चुका है इस काम के लिए. Professional start. All apps start window. All apps. अब यहाँ पे हम कंट्रोल विंडो एंटर करेंगे नरेटर एग्जिट करने के लिए. देखो. Exiting narrator. List box. User account for techno with friends. One of two. Search. Pinned list box. Microsoft. तो हमारा जॉर्ज ऑन हो चुका है. Alt F4. Windows D. Desktop. Folder view. List view. पर गाइज इसकी सेटिंग हमें अब करनी होगी जॉर्ज की. हम जस्ट जॉर्ज में जाएंगे, स्टार्टअप विजार्ड में जाएंगे. नहीं तो पता एक है, मैं बात एक मिनट शाहिद जी एक बात बताओ. जैसे ये अकाउंट है ठीक है, अभी इसमें दिस पीसी तो अपन ओपन कर ही सकते हैं. दिस पीसी का जगह डी फोल्डर डी हो गया, ई हो गया इत्यादि, वो तो ओपन हाँ, होंगे. हाँ जी सर, सब कुछ कर सकते हैं. मैं बार दिखाऊंगा. देखो मैं यहाँ पर विंडो ई प्रेस करूंगा. Windows E Home Items View Multi Select List Box Quick Access. अब गाइस हमारा जो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो चुका है. जब हमारा बाय डिफॉल्ट होता है वो यहाँ पे होम होता है, क्योंकि बाद में हम दिस पीसी यहाँ पे सेट करते हैं. क्योंकि जब हम एक बार शुरू में हम देखो एक बार करके देख लेते हैं इसकी लॉग, ये क्विक होगा तो हम यहाँ पे दिस पीसी देना होगा. जो हमारी जो विंडो ई प्रेस करें हम, तो हमारा यहाँ पे दिस पीसी शो हो. मैं एक बार करूंगा कंट्रोल पैनल में जाऊंगा. Search box edit. मैं कंट्रोल पर C C O N T R O L कंट्रोल पैनल एंटर. जॉस थोड़ा सा काम नहीं कर रहा, एनवीडी ऑन करता हूं एक बार, है ना. Escape task bar Windows D folder view list view not selected. एनवीडी हमारा ऑन होगा क्या? Alt कंट्रोल एन प्रेस करूंगा मैं. Task bar. Welcome to NVDA dialogue. Most commands expanded. Desktop. One of two. Escape collapse. Options. Keyboard layout. Windows folder D. View folder view list view. Recycle bit. Recycle bit. F4. J. Jaws 29. Enter. Jaws professional. Dialogue. Jaws version 2.0.1. Options submenu. Options menu. Exit alt. Enter. Quick cancel. Okay. Enter. Welcome. तो गाइज मैंने यहाँ पे जॉर्ज को बंद कर दिया है, ठीक है. तो अब मैं एनवीडिया को दोबारा से स्टार्ट करूंगा. ऑल्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा मैं. टास्क एनवीडीए यूसेज डेटा कलेक्शन डायलॉग इन ऑर्डर टू देखो ये एनवीडीए सेटिंग करने के लिए कहा था इसने. लोडिंग एट वेलकम टू एन देखो वेलकम टू एनवीडीए. मैं टैप प्रेस करूंगा. यूज कैप्स लॉक एज एन एनवीडीए मॉडिफायर की चेक बॉक्स. आप कैप्स लॉक को मॉडिफाई की रखना चाहते हो? नहीं. कीबोर्ड लेआउट मैं टैप कर रहा हूँ. कीबोर्ड लेआउट क्या रखना चाहते हो? Laptop, desktop, desktop. एक बार यहाँ पे desktop करूंगा मैं. Tab press करूंगा. Use caps lock as an NVDA modifier. Key check box not check. ये not check है. अगर हम caps lock को insert की बनाना है, तो यहाँ पे check करेंगे हम. Space, check. Check. मैं tab press करूंगा एक बार. Start NVDA after I sign in. Check box not check. ये computer start होगा तो NVDA हमारा automatic on हो जाए.
जैसे अब तो हमने खुद किया है तो हमें हम चाहते हैं ऑटोमेटिक ऑन हो इस अकाउंट के अंदर. मैं स्पेस checked. ये चेक कर दिया, टैब प्रेस करूंगा. Show this dialogue when NVDA starts checkbox checked up. ये क्या कह रहा है? जो हम NVDA को स्टार्ट करते हैं, ऑल्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं, ये वेलकम का डायलॉग आता है. जब हम इस पे नॉट चेक कर देंगे तो फिर दोबारा नहीं आएगा. मुझे डायलॉग बार बार नहीं चाहिए, मैं नॉट चेक करूंगा. स्पेस नॉट चेक्ड, मैं टैब प्रेस okay करूंगा. button. ओके NVDA usage. ओके और अब ये NVDA यूसेज डेटा कलेक्शन यस और नो का ऑप्शन आता है, पहले नहीं था. अब बाकी कोई NV एक्सेस का कुछ होगा है ना, इसलिए कराते हैं. Yes button. Yes, yes कर देता हूं मैं. Desktop list. तो हमारे NVIDIA की जो मैनुअल सेटिंग होती है ना, वो मैंने कर लिए. मैं बार सिंथेसाइजर चेंज कर देता हूं इसका. कंट्रोल विंडो एंड Select synthesizer dialog. I. Desktop list. JAWS 2019 4 of 11. Select synthesizer. No speech. Windows 1 core. Microsoft eSpeak. और गाइस इसमें जो एडवांस थे वो नहीं आए. IBM TTS था नहीं है यहाँ पे है ना, वोकलाइजर था नहीं है, है ना. तो ये बात है. Desktop list. तो अब हम देखो विंडो ई प्रेस करते हैं. यहाँ पे Home. Items view list. यहाँ पे होम आ रहा है ना. हम चाहे तो एक बार बैक स्पेस करके अपने जा सकते हैं दिस पीसी में भी, यहाँ से भी, लाइब्रेरी जो भी है. देखो होम रो 1 ऑफ डेस्कटॉप रो 2 म्यूजिक रो 3 दिस पीसी रो 4 10 ऑफ 24. बाकी जिस पीसी आ रहा है वो तो हमें मॉडिफाई मतलब सेटिंग करनी होती है. पर एक बार अब है तो एक बार आपको कंट्रोल पैनल में जाके दिस पीसी को कैसे हम यहाँ पे शो कराएंगे, विंडो ई प्रेस करते हैं, एक बार दिखाता हूँ. डेस्कटॉप लिस्ट JAWS 2019 select synthesize e speak desktop. गाइज मैंने आप स्पीक कर दिया क्योंकि थोड़ा स्लो काम करता है ना वो. अब मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा. इंटर प्रेस कर दिया मैंने. सर्च बॉक्स एडिट सर्च कंट्रोल पैनल डन. यहाँ पे सर्च बॉक्स है, हम सर्च करना है फाइल फोल्डर लिखना है यहाँ पे. F I L E फाइल स्पेस स्पेस F O L D E R फाइल फोल्डर और इंटर. अब हम टैब प्रेस करेंगे यहाँ पे. फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस लिंक कस्टमाइज द डिस्प्ले ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स. अब यहाँ पे हम स्पेस बार करेंगे एक बार. मैं टैब करके स्पेस बार, ये देखो क्या ऑप्शन है. चेंज सर्च ऑप्शंस फॉर फाइल्स एंड फोल्डर्स लिंक. फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस लिंक कस्टमाइज द डिस्प्ले ऑफ फाइल्स. ये कस्टमाइज के लिए कह रहा है, आप क्या डिस्प्ले पे एक्सप्लोर करना चाहोगे. मैं एक बार स्पेस करूंगा यहाँ पे. स्पेस फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शंस डायलॉग जनरल प्रॉपर्टी पेज क्लियर फाइल एक्सप्लोरर जनरल. मैं दिस पीसी यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करूंगा. देखो होम, ये होम पे था. देखो होम ये है ना. दिस पीसी देखो पहले यहाँ पे क्विक होता था, अब पता नहीं होम आता है. ठीक है तो मैं होम दिस पीसी दिस पीसी पे कर्सर रखूंगा और टैब टैब से ओके प्रेस कर दूंगा. ब्राउज़ फोल्डर क्लिक आई प्रीफर्स शो फ्री शो फॉर क्लियर बट रिस्टोर द ओके बटन. ओके स्पेस फाइल फोल्डर कंट्रोल पैनल. ये मेरी सेटिंग हो चुकी है. मैं ऑल्ट टैब फोर करूंगा. डेस्कटॉप लिस्ट जॉस 2000. ऑल्ट टैब फोर कर दिया. अब देखते हैं दिस पीसी आएगा कि नहीं आएगा. दिस पीसी आइटम्स न्यू लिस्ट डिवाइसेस एंड ड्राइव्स ग्रुपिंग एक्सपैंडेड. ये आ चुका है देखो. सिलेक्टेड एक ही ड्राइव मेरे यहाँ पे है ना. बाकी यहाँ पे एक बार बैकस्पेस करना होगा डॉक्यूमेंट डिवाइस जाने के लिए. और कहीं मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पे ना, कंट्रोल शिफ्ट सिक्स कर लिया करो. इससे होगा ये, अब जब आप किसी पर्टिकुलर फाइल पे जाओगे, आप उस फाइल के राइट एरो करोगे तो उसका एक्सटेंशन एक्सटेंशन वगैरह देख सकते हो आप है ना. क्योंकि ये इस कंट्रोल शिफ्ट सिक्स ये आप इसे व्यू मोड से भी कर सकते हो है ना. बाकी तो हमें अकाउंट बताना था, अकाउंट के साथ साथ हमने कई चीज बताई. तो अब मैं अपने अकाउंट को वापसी स्विच करूंगा जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ना. ऑल्ट कंट्रोल एंड ऑल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस करूंगा यहाँ पे एक बार में. Secure desktop Windows Sun. मैं टैब प्रेस करूंगा. Switch यूजर पे स्पेस बार करूंगा. Secure desktop Windows Sun. टैब टैब से शाहिद के शाहिद अकाउंट में जाऊंगा. I forgot my pin link. List. Switch to Shahid Khan 102. To move to an item, press the arrow keys. यहाँ पे मैं एक बार स्पेस करूंगा. Space. अब यहाँ पे बटन होगा साइन इन, उस पे जाऊंगा शिफ्ट टैब से. बाकी बटन नहीं आया यहाँ पे, ऑटोमेटिक आ गया. अब यहाँ पे पिन लगाऊंगा मैं, जो पिन था उसका. नंबर लॉग ऑन.
देखो अब मैं इसमें स्विच कर चुका हूं, ओके तो हो रहा मेरा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30 सेकंड ये हो चुका है, पर स्क्रीन रीडर बोला नहीं, ओके क्यों नहीं बोला पता नहीं, फिर वीडियो ऑन करता हूँ, ऑल्ट कंट्रोल एंड प्रेस करूंगा, देखो एनबीडी मेरा ऑन हो चुका है, अब मैं देखता हूँ मेरी फाइल जो थी यहाँ पे है क्या, folder view list data not selected 1 of 18 data recycled bit 2 max app data 8 of 8 side mark sheet 9 of 18 देखो शायद मार्क शीट जो मैंने सिखाई थी आप लोगों को ना, Microsoft Edge 3 अब यहाँ पे मेरा डेटा वैसा कहते हैं सही आ चुका है, ओके तो अब गाइज ये बताइए पासवर्ड वगैरह क्रिएट करते हैं आज के लिए करें, एक बार मैं आपको एक बार एडमिन करके बता देता हूँ, जो हमारा टेक्नो फ्रेंड लोकल अकाउंट था मैं चाहता हूँ एक बार मैं उसे एडमिन करूँ, एडमिनिस्ट्रेटर, हालांकि देखो आप ऐसा करना मत क्योंकि आपको एडमिन एक ही रखना है, अगर दो अकाउंट को आप एडमिन रखोगे तो भाई लैपटॉप के अंदर मतलब लैपटॉप थोड़ा सा मतलब लोड भी आ सकता है ना, तो ये नहीं बात लेकिन है एक बात है ना शाहिद जी, सर जैसे सीट का जो डेटा है मतलब लोकल डिस्क सी, उसके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, लेकिन हाँ जी वो तो है, DEF में अगर कोई गाना वाना है तो वो तो उसको तो प्ले कर पाएगा ना। उसे कर पाएगा सर, हाँ यही मैं बात कह रहा था क्योंकि सर, आपको। हाँ क्योंकि सर मेरे मेरे कंप्यूटर में ना कोई एक्स्ट्रा ड्राइव ड्राइव है नहीं, इसलिए मैंने बात यहाँ पे हाँ कही नहीं सर, नहीं इसलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ सभी को, अगर आपके जैसे आपके कुछ पर्सनल फाइल्स है ठीक है, तो आपको क्या है, आपको आप चाहते हो यार कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई मतलब कि दूसरे जो बंदा है वो मेरी फाइलें देखे, तो उसे या तो पहले बिट लॉकर से इनक्रिप्ट करो या फिर पासवर्ड लगाओ, नहीं तो उसे सी में डाल दो, उससे क्या होगा वो आपके डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगर आपने सी की जगह डी में डाल दिया तो वो लोकल अकाउंट वाला भी डी को देख सकता है। ये प्रोटेक्शन, और गाइस सिर्फ ये ये प्रोटेक्शन आपका जो जिस ड्राइव में विंडोज इंस्टॉल है उसी पर काम करेगा, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कंफर्म करवा देना था। और गाइस एक चीज और बता देता हूँ आपको, शायद बहुत लोगों को पता भी होगा पर मुझे कन्फर्म मतलब ये भी है किसी को नहीं भी पता हो, जो हमारे डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर है फाइल है, जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर फाइल है फोल्डर है म्यूजिक के अंदर है, तो वो हमारा सी के अंदर ही माना जाएगा, वो डाटा भी हमारा सी में ही है, क्योंकि जो भी हमारा लैपटॉप हम एक्शन परफॉर्म करते हैं जो भी कुछ करते हैं वो सी ड्राइव के थ्रू ही हो रहा है सब कुछ, जो जॉज है ये भी सी में ही है इंस्टॉल्ड है, मान लो आपकी कोई फाइल फोल्डर डेस्कटॉप पे है वो भी सी के अंदर ही आएगा, ये बात है, ड्राइव एक अलग अलग चीज होती है, ओके ड्राइव होती है जो वो एक अलग चीज होती है, सर ने भी बताया था ये जो ड्राइव जो है इसे बोलते हैं प्राइमरी ड्राइव, जो जिस पर जी विंडोज इंस्टॉल होती है, और दूसरे जो जी ड्राइव होते हैं बेसिक हेल्थी बोलते हैं इनको, दूसरे ड्राइव जो होते हैं वो प्राइमरी नहीं होते। आप प्राइमरी ड्राइव को ना तो फॉर्मेट कर सकते हैं, चालू कंप्यूटर में फॉर्मेट करने के लिए आपको कंप्यूटर को बूट करना पड़ेगा, बाकी हाँ अन्य जो जी ड्राइव है उनको आप फॉर्मेट भी कर सकते हैं चालू कंप्यूटर में। ओके सर, अब एक बार हम इस अकाउंट को एक बार एडमिन करके दिखाएंगे एडमिनिस्ट्रेटर, ओके जो हमारा टेक्नो फ्रेंड लोकल अकाउंट था, देखते हैं मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा एक बार, और हाँ गाइस आप किसी भी अकाउंट में हो आप दोनों अकाउंट मतलब अकाउंट को चेंज कर सकते हो, मतलब अकाउंट की सेटिंग चेंज कर सकते हो, नाम भी चेंज कर सकते हो, मैं एक बार यहाँ पे मैं शाहिद खान के अकाउंट में स्विच हूँ पर फिर भी मैं उस अकाउंट को एक्सेस करूंगा जो हमारा टेक्नो फ्रेंड का है, Windows default lock screen window locks desktop list Microsoft भाई लॉक मत हो बहुत जल्दी है, MBDA 4 of 18 मैं कंट्रोल पैनल में जाऊंगा एक बार, start window search window C level 1 control panel back press right to switch control panel search box edit search control panel blank यहाँ पर टैप प्रेस कर दिया मैंने, अकाउंट पे जाऊंगा टैप टैप करते हुए, Panic system review save back network connect fuse part with fuse added to adjust comp programs uninstall a program user accounts link change user account settings and passwords एंटर प्रेस करूंगा, User accounts link change user account settings and passwords for people who share this computer. टैप प्रेस करूंगा Change account type link. चेंज अकाउंट टाइप, पर कौन सा करना है ये तो आगे देखेंगे हम, देखो Remove user account. रिमूव रिमूव करूंगा एक बार मैं स्पेस Space. बार, List of users list. Shattered combo shared in 20s. ये मेरा पहला अकाउंट है जो जिसमें हूं मैं, Techno with friends local accounts आप button. ना इनको राइट एरो लेफ्ट एरो से भी देख सकते हो, अब मैंने राइट एरो किया था तो देखो Shattered combo shared in 26,586 at mail.com administrator password protected button. ये पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है और एडमिन भी है ना, मैं राइट एरो करूंगा, Techno with friends local account button. टेक्नो विद फ्रेंड लोकल अकाउंट, इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है और ये लोकल मतलब ये एडमिन नहीं है, यहाँ पे मैं करूंगा एक बार स्पेस बार,
space change the account name link. अब जो हम वर्क करेंगे हम इस अकाउंट के लिए करेंगे ओके. अब यहां से हम चेंज भी कर सकते हैं है ना. मैं बार टैप प्रेस करूंगा create a password link. इसके लिए पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं. मैं टैप प्रेस करूंगा change the account type link. चेंज द अकाउंट टाइप लिंक यहां पे करूंगा स्पेस बार space standard radio button check alt plus s. ये खुल चुका है ऑप्शन है ना. मैं डाउन और प्रेस करूंगा administrator radio button check alt plus a. ये यहां पे करूंगा मैं एंटर change the account name link. ओके अब हम देखते हैं create a password change the account type link. हमारा हुआ कि नहीं हुआ एडमिन वो alt f4 करके थोड़ा सा with get help window radio experience like change the account change the desktop list nvda 4 of 8. मैं गाइस बार बार बाहर जाके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. मैं टैप प्रेस करूंगा अकाउंट पे जाऊंगा. Access review save back network connect view part view added adjust top programs uninstall user account change user accounts link change user account change remove user account. टैप टैप किया अब रिमूव जाऊंगा. List of users list shattered combo. राइट और प्रेस करूंगा देखता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर हुआ कि नहीं हुआ. Techno with friends local account administrator button. ये देखो टेक्नो विद फ्रेंड लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर ये हो चुका है गाइस है ना. देखो शैडेड कॉम्बो शैडेड 26000 टेक्नो विद फ्रेंड्स लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर बटन एडमिनिस्ट्रेटर बटन है ना. अभी भी ये प्रोटेक्ट नहीं है पर एडमिन तो हो चुका है पर प्रोटेक्ट नहीं है तो हम इसे प्रोटेक्ट करते हैं पासवर्ड से. एक बार मैं स्पेस बार करूंगा यहां पे स्पेस चेंज द अकाउंट नेम लिंक. इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम चाहे तो. मैं टैप प्रेस करूंगा क्रिएट अ पासवर्ड लिंक क्रिएट अ पासवर्ड इस पे करूंगा स्पेस बार स्पेस न्यू पासवर्ड एंड प्रोटेक्टेड लिंक. यहाँ पर न्यू पासवर्ड लगाऊंगा आप कुछ में. स्टार्ट 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 स्टार्ट. ओके मैंने पासवर्ड लगा लिया है. यहाँ पर एक बार टैप प्रेस करूंगा कंफर्म न्यू पासवर्ड एंड प्रोटेक्टेड लिंक. कंफर्म न्यू पासवर्ड ये इसलिए कहता है गाइस ताकि आपका पासवर्ड अच्छे से कंफर्म हो जाए. कहीं अगर यहाँ पे मैंने एक भी कैरेक्टर गलत लगा दिया है तो वो लेगा नहीं. मैं एक बार गलत लगा के देखता हूँ. देखो चलो सही लगाता हूँ टाइम वेस्ट होगा. Start, 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 start. Start, 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 start. है ना मैं लगा दिया. मैं टैप प्रेस करूंगा. Type of password, embedded link. ये यहाँ पे हिंट हिंट कह रहा है. हिंट का मतलब ये है गाइज आप यहाँ पे कुछ ऐसा हिंट दो आपके पासवर्ड से मिलता जुलता. जैसे कि मान लो मेरा मैंने लगाया यहाँ पे शाहिद एट द रेट 1234. यहाँ पे आप SD34 लगा सकते हो आप जो समझ जाए है ना. आप हिंट लिख सकते हो यहाँ पे. जैसे मैं आप हिंट देता हूँ SD34. अब हिंट से समझ जाएंगे यार इतना ही होगा है ना. मैं टैप प्रेस करूंगा क्रिएट पासवर्ड बटन क्रिएट पासवर्ड बटन यहाँ पे करूंगा स्पेस बार स्पेस प्रेस चेंज द अकाउंट नेम लिंक चेंज द पासवर्ड चेंज द अकाउंट टाइप. देखो अब हमारा पासवर्ड लग गया यहाँ पे. अब देखो क्या कहेगा. देखो चेंज द पासवर्ड चेंज द अकाउंट नेम लिंक यहाँ पे नाम अकाउंट लिंक है ना. मैं टैप प्रेस करूंगा चेंज द पासवर्ड लिंक. पहले क्रिएट अ पासवर्ड था अब यहाँ पे चेंज द पासवर्ड है ना. ये कह रहा है क्योंकि पासवर्ड यहाँ पे लग चुका है. ओके अब हम देखते हैं वहां पे प्रोटेक्टेड दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा. एड्रेस कॉम्बो बॉक्स ओसी स्पेस Close menu item focus C. Space. Address combo box collapse. Edit D control panel user accounts user accounts. Shut down windows dot okay button. Desktop list. देखो मैं बाहर आ चुका हूँ. अब मैं दोबारा control panel में जाऊँगा आपको दिखाऊँगा ये protect हुआ कि नहीं हुआ. Start windows C. Open Edit control D control panel app. Press like the switch preview window. Control panel search bar. Tab tab press करूँगा account पे जाऊँगा. Access groups. Back net confused. Talk view add such programs link on it uninstall user accounts link. यहाँ पे करूंगा एंटर. यूजर अकाउंट रिमूव अकाउंट में जाऊंगा. चेंज अकाउंट रिमूव यूजर अकाउंट. एंटर प्रेस करूंगा. लिस्ट ऑफ यूजर्स लिस्ट शैटर्ड कॉम्बो शैटर्ड 26508. राइट और प्रेस करेंगे इसे देखते हैं. टेक्नो विद फ्रेंड्स लोकल अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड प्रोटेक्टेड बटन. ओके गाइस अब इसने लोकल एड एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल दिया है और पासवर्ड प्रोटेक्ट भी बोल दिया है. अब गाइस इस चीज इसके मतलब आपको कोई कंफ्यूज है ना कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं. हमने सब कुछ बताया बिल्कुल डिटेल में और इसकी कुछ बेसिक नॉलेज भी आपको दी. अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपका कोई कहीं से कुछ समझ में नहीं आया है आप तो बेहिचक होकर बता सकते हो आप. तो सर यही था मोटा मोटा सा जो मैंने आपको बता दिया है. तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन है.
सूर्या जी पहले, सूर्या का नंबर है A1 सूर्या। हेलो, हाँ नमस्कार, बोलिए सर। ये दिस पीसी कैसे किया वो समझ नहीं आया। दिस पीसी को सबसे पहले समझने का कंट्रोल पैनल में गया मैं, कंट्रोल पैनल हाँ? जाने के बाद सर्च का ऑप्शन आया। सबसे पहले मैं कंट्रोल पैनल में गया, हाँ, कंट्रोल ओके पैनल में जाने के बाद मैंने सर्च का ऑप्शन आया, वहां पे सर्च किया फाइल स्पेस फोल्डर फोल्डर, लिखा, हाँ इंटर प्रेस किया, उधर तक समझ आए। हाँ एक बार टैप प्रेस किया, वहां पे हाँ डिस्प्ले कस्टमाइज करके ऐसा कुछ बोला, वहां पे मैंने स्पेस बार किया, फिर वहां पे हाँ अप एंड डाउन एरो से आप वो होम पे था सिलेक्टेड, मैंने वहां पे दिस हाँ पीसी पे कर्सर रख के, दिस पीसी पे कर्सर रख दिया, फिर दिस पीसी पे कर्सर सर रखने के बाद मैं टैप टैप प्रेस ठीक करके ओके पे गया और इंटर कर दिया, हो गया। है ना। ओके हाँ और इस पर सूर्य सर अपने चैनल पे वीडियो भी है एक, कौन सी ओके सर इस पे एक वीडियो है विंडोज 11 के उस हाँ ट्यूटोरियल में ही है। ठीक है, मैं देख लूंगा सर। तो सर किसके यहाँ अब से आप आवाज आ रही बताएं है? अच्छा क्लास कैसी रही सर? सबसे पहले बहुत अभी पूछते हैं। अच्छी रही सर, आज बहुत कुछ एडवांस सीखने को मिला। हेमंत जी, अब हेमंत जी की आवाज, हेमंत सर यस हेलो मनोज कुमार जी। ओके हाँ जी, नमस्ते, बहुत नमस्ते बढ़िया। सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर, समझ आया आपको? हाँ, समझ में आया। ऐसा तो नहीं हमारा यूजर अकाउंट ना चेंज हो गया हो तो गड़बड़ कर रहा हो एनबीडीए, हमें ना, लगता है। गड़बड़ कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं कर, नहीं, जॉर्ज बढ़िया चल रहा है, एनबीडीए गड़बड़ क्यों कर रहा है, इसलिए हम समझ नहीं आ रहा हमें तो। नहीं वो आपके एनवीडिया में आपने कुछ ऐसा एडोन डाला है, आप एक काम करो सारे एडोन डिसेबल करके फिर यूज करो उसे। वो भी करके देखा, एनवीडिया गड़बड़ तो नहीं करता, कोई ग्राफिक का प्रॉब्लम है आपके इसमें, मैं करवा दूंगा। आप एक काम कर, डिस्प्ले सेटिंग में जाना और हाँ उसका ग्राफिकल देखना, उसके रेजोल्यूशन कितना बता रहा है अच्छा, उसको चेक करना एक बार। तो इसमें कितना रेजुलेशन रखना है? जीरो रेजुलेशन कितना रखना है? जीरो। नहीं, रेजोल्यूशन उसका रखो 1366। अच्छा, थर्टीन अच्छा ओके ठीक ओके ठीक ठीक दे बोरा जी। जॉनी जनील नमस्कार संदीप सर, नमस्कार दे बोरा जी, बढ़िया कैसे हैं? सर, कैसा लगा? काफी अच्छी जानकारी दी शाहिद सर ने, बहुत मुझे बढ़िया, नहीं बहुत पता था, अब बहुत मुझे खुद बढ़िया, को अप्लाई करना है एक बार। कोई डाउट होएगा तो मैं शायद आपसे पूछूंगा, बिल्कुल पर बिल्कुल एक बार पहले अप्लाई करके देखूंगा। हेमंत जी, आपका ऑडियो म्यूट है, अब खुला। हेलो एक हेलो एक क्वेश्चन और पूछे, थोड़ा जरा सा छोटा सा है यस क्वेश्चन, ये कि जैसे एमबीडीए को हम म्यूट कर लेते हैं, जो कभी कोई चीज आती है बोलता नहीं है, उस तरह से जॉर्ज कैसे म्यूट किया जाता है? मतलब जॉस के अंदर भी नहीं, म्यूट का ऑप्शन होता है सर, होता है नो वो तो स्पीच। होता है, हाँ वो सिर्फ से म्यूट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो उस तरह से म्यूट नहीं होता जैसे एमबीडीए हो जाता है कि हम कोई काम करते रहे और म्यूट रहता है नहीं, उसका वो वाला। कमांड है सर, कुछ मैंने देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं देखकर बताऊंगा आपको। वही हमें भी याद नहीं आ रहा कि हम नहीं नहीं मैं किसको बताऊंगा कैसे आपको करें। देखकर, उसका कोई तरीका है। सर आप उसकी तो बात नहीं कर रहे हो, जैसे कि हमारा एनबीडी बोल रहा है हमें चुप करना हो। हाँ, नहीं, एनबीडी से बोल रहा है तो उसको हम चुप कर हाँ लेते हैं, जैसे स्पीक पे ले आए या मतलब बीप पे ले स्पीच मोड आए, ऑफ, स्पीच स्पीच मोड मोड ऑफ कर ऑफ, दिया, तो उसके ऐसे विंडो जॉर्ज प्लस ने कर एस, लिया है। विंडो प्लस किसने? अच्छा एस अच्छा जॉर्ज में, नहीं, जॉर्ज एनबीडी, जॉर्ज का तो मैं देखना पड़ेगा, एनबीडी का बता रहा हूँ मैं तो आपको। हाँ जॉर्ज एनबीडी के वाला लिए तो आप कुछ नॉर्मल काम कर रहे हो, सुनो, जैसे आप कुछ काम कर रहे हो है ना, और है। आपका हाँ एनबीडी बोल रहा है, आपको एनबीडी चुप करना है तो कंट्रोल बटन दबा दीजिए, वो एनबीडी हाँ कंट्रोल नहीं हो जाएगा, और नहीं जैसे वो आप बात स्विच तो है, दबाओगे तो वो बात अलग की बात है, लेकिन जैसे हम हमें काम पूरा मतलब करना है वैसे ही, और वो जॉर्ज को हम एनबीडीए को हम म्यूट कर लेते हैं, जैसे वो एनबीडीए से स्पीच स्पीच मोड ऑफ कर लेते हैं, वैसे ही जॉर्ज में करना है वैसे करके। सर सर मैं आपको जॉर्ज बता की दूंगा एक बार चेक करके। सेटिंग जी देखनी पड़ेगी, बता देंगे आप। सर, हाँ, ये बात है। ठीक है सर, ओके। नेहा जी
नेहा जी नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर, क्लास तो बहुत अच्छी थी सर। समझ आई आपको? जी सर। आज जुखाम हो रहा है आपको? है हाँ सर, फीवर हो रहा है। अरे रे रे, तो छुट्टी रखनी चाहिए, आज फीवर हो रहा है तो। सुन तो सकते ही है ना सर कुछ नहीं तो। हाँ चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू। प्रिया ओके सर, जी, थैंक यू। प्रिया जी चलिए, उनकी आवाज जब तक आती है। विजय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। समझ में आया सर मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। और कैसे? और बढ़िया सर। हाँ हेलो, कौन बोल रहे हैं? सर मैं चंदू राठौड़ बात कर रहा हूँ सर। हाँ चंदू जी, स्वागत है, बोले। सर आप मेरी हेल्प कीजिए सर प्लीज। क्या क्या हेल्प करनी है बताओ। सर कल तो मैंने विंडोज स्पीच रिकॉग्निशन ऑन किया था सर, अभी वो तो ऑफ हो ही नहीं रहा सर। वापस ऑफ करके ऑन लैपटॉप रिस्टार्ट या मेरी जॉब बात वापस। सुनो, आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ। जी देखो, आपको विंडो प्लस बी दबाकर नोटिफिकेशन शेवरॉन में जाना है, जी वहां पर स्पेस दबाना है और वहां पर आपको मिलेगा विंडो स्पीच रिकॉग्निशन, एप्लीकेशन की दबाकर उसे एग्जिट कर देना है, जी सर। वो एग्जिट हो जाएगा फिर। ठीक है सर, आप ये मतलब एक मिनट ये आप ऑन रखिए, मैं करके आता हूँ, लैपटॉप थोड़ा दूर है मेरा। ठीक है, आप नहीं, मैं आपको ग्रुप में ही बता दूंगा, आप ग्रुप में बात कर लेना, ठीक है? जी विजय भानु, जी सर, समझ आया? जी सर आया। चलो बहुत बढ़िया। और हाँ गाइज, आप अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा मतलब बताना भूल गया मैं, उसमें एक डिलीट का ऑप्शन भी आता है, अकाउंट को आप डिलीट भी कर सकते हो। हाँ, ओके रिमूव हाँ अकाउंट या डिलीट अकाउंट, वो तो बात है कि वो तो समझ जाएंगे उसमें। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते प्रिया जी, स्वागत है। सर मैं ऐसे बोली थी कि ना क्लास तो ये तो समझ में आ गई, तो सर एक बार आपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला है वॉइस इनपुट वाला, जो मैंने आपकी नेक्स्ट क्लास में भी मतलब लास्ट क्लास में भी क्वेरी करी थी इसके रिगार्डिंग, अच्छा, तो सर विंडो 11 के लिए है, तो नहीं वो विंडोज 10 में भी काम करता है, वो सभी में काम करता है। सर मैंने उसका ना मैंने उसको ट्राई करा था, बट उसमें ना वॉइस टाइपिंग का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था मेरे सर्च में। आपके पास लैपटॉप है कि डेस्कटॉप है? लैपटॉप तो आएगा इसमें, मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं, उसमें कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, आपको वॉइस रिकॉग्नाइजेशन ऐसा लिखना है वहां पर, उस पर क्लिक करोगे ना तो आपको, या फिर एक्सेसिबिलिटी में जाकर भी इसे कर सकते हो आप, मैं वो करवा दूंगा, आपको बता दूंगा एक बार फिर से। आपने भी उसी वीडियो में एक पीडीएफ के लिए मतलब पीडीएफ रीड करने के लिए एक बताया था डेस्क मतलब इसी का पे कीबोर्ड है। डिस्क हाँ करके नमस्कार, ऐसा कुछ बताया अच्छा, था, तो सर उस पर वीडियो बनाएंगे आप? हाँ जरूर बना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। हाँ कौन बोल रहे हैं, और कौन बोल रहे हेलो हैं? हाँ हेमंत जी हेलो, नमस्कार, बोलिए। हाँ नमस्कार जी। वो पता नहीं मेरा वो स्विचिंग हो गई थी, पता नहीं इसलिए अनम्यूट करने में दिक्कत आ रही थी। बताइए सर, हेमंत जी की हाँ मैं आवाज नहीं आ रही थी उस समय। हाँ 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 मैं सारे सुन रहा था, पता नहीं असल में मैंने एक नई चीज सीखी है, जैसे लैपटॉप में चल रहा था ना, अच्छा, तो फिर मैंने वैसे मोबाइल पे जूम ऑन किया, तो मोबाइल पे बोला कि आपकी डेस्कटॉप पे चल रही है ये, उसमें बटन था स्विच, मैंने अच्छा स्विच को दबाया ना, तो आप लोग को पता चला नहीं होगा, वो कंप्यूटर पे तो बंद हो गई, लैपटॉप पे और मोबाइल पे शुरू हो गई मीटिंग, स्विच हो गया अच्छा मतलब। नहीं वो तो कोई बात नहीं, चलो हाँ ना, वो तो चलो पता लग गया ना, स्विच कर सकते हैं। तो समझ आया सर। हाँ बहुत अच्छा, सारा अरे सारा राइट्स पता लग गया ना, लोकल अकाउंट। बस वो है कि जैसे जब हम विंडो डालते हैं तो वो कई बार हम स्किप कर देंगे ना, वाईफाई इंटरनेट नहीं है, 2-3 बार, तो फिर वो लोकल ऑनलाइन अकाउंट को स्किप कर देता है। हाँ वो हाँ नहीं, जी वो तो बाद में भी कर सकते हैं अपन, वाईफाई वाला कॉन्फ़िगरेशन तो बाद में भी किया जा सकता है। हाँ, वाईफाई वाला डोंट हैव से बोलेगा कंटिन्यू विथ लिमिटेड एक्सेस, तो फिर वो हाँ कंटिन्यू हो अगर जाता है। वाईफाई अगर नहीं लगाओगे तो फिर आपको क्या है, वो पासवर्ड, बाकी वो ईमेल आईडी और वो कुछ नहीं पूछेगा, सीधा ही लोकल पासवर्ड लगेंगे।
हाँ फिर लोकल बन जाएगा। तो अब गुरमीत जी सर को बुलाते हैं। गुरमीत जी सर नमस्कार, बोले, स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, सभी बढ़िया। तो बहुत खूब, आज की जो क्लास है वो बहुत, तो साहिद जी बहुत अच्छे से आपने पूरा पूरा एक एक स्टेप जो है वो एक्सप्लेन किया। मुझे नहीं लगता कि हमारे क्लास में कोई ऐसा यूजर होगा जिसको कोई बात समझ में ना आए। ये बात अलग से है कि ने कंप्यूटर या मोबाइल एक दो दिन में ही शुरू किया हो तो वो अलग बात है, लेकिन जिसको थोड़ा अरसा हो गया यूज़ करते हुए तो ज़रूर उसको आपकी बात समझ में अवश्य आएगी। बिल्कुल सर, सही, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, अच्छा तरीका है एक्सप्लेन करने का आपका। बिल्कुल शाही जी बहुत इंटेलिजेंट, ही इज इंटेलिजेंट पर्सन, ऐसी बात नहीं है। ही इज नॉट इंटेलिजेंट, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट। या टैलेंटेड, टैलेंटेड नहीं सर, आपकी कृपा है, तभी तो मोस्ट इंटेलिजेंट। मेहरबानी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो शाहिद जी और भी आगे बहुत सारी चीजें हैं। शाहिद जी कल है बुधवार, कंप्यूटर का लास्ट दिन, कल क्या लेकर आओगे? सर फिर हमारा एक्सेल वही। अच्छा, कल हम एक्सेल पर वापस से एक बार स्विच करेंगे, कुछ एडवांस चीजें हैं जो देखेंगे हम। एक्सेल में क्या क्या मतलब बात करने वाले हैं कल हम? सर हम शायद कंडीशनल फॉर्मेटिंग ले ले सर। अभी सस्पेंस खोलेंगे नहीं सर, पहले ही बता देंगे तो फिर काम खराब हो जाएगा, वो कल ही पता लगेगा उनको। वो तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तभी सस्पेंस तो तभी खुलेगा। सही बात है। हाँ बिल्कुल सर, तो बहुत बढ़िया सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्लास बहुत अच्छी रही और कल ही अपलोड कर दी जाएगी क्लास एफएम पर ब्रॉडकास्ट होने के बाद। और बाकी आज वाली जो, कल वाली जो क्लास थी, मैं आज अभी अपलोड कर देता हूँ जूम वाली। एक संदीप जी एक बार बताएं, आप सर दोनों एफएम पे एक साथ क्लास चलाते हैं ना, तो अलग अलग चलाया करें। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ नहीं नहीं आप बिल्कुल आप कहेंगे वैसा कर देंगे, कोई दिक्कत मतलब नहीं। उसमें ये रहता ना कि जब हम सुन ही रहे हैं तो दोनों एफएम एक साथ क्यों मतलब जो है वो रहे, कभी अगर मान लीजिए किसी पे अगर किसी को छूट रहा है तो दूसरे पे सुन सकता है। हाँ हाँ सही तो है, चलिए टाइम रहेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं नहीं बिल्कुल सर, इस पर बिल्कुल करेंगे, विचार करेंगे सर, सेट कर देंगे सर टाइम टेबल उसका। हाँ ये मतलब बता रहे हैं, वैसे तो नहीं, वैसे तो जब भी जो भी मतलब जो है वो लगे, लेकिन मैं मेरा एक सुझाव ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल 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 सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपका समय शुभ रहे। हम मिलते हैं आपसे कल ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास में, इसी समय इसी चैनल पर।